हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों देखिए, ये इंडक्शन कुकटॉप है और ये कस्टमर का कंप्लेन है कि देखिए इसको लगाते ही जो है आपका जो घर में जो आइसोलेटर वगैरह जो भी लगा रखा रहता है एमसीपी वगैरह वो ट्रिप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ये जो है डायरेक्ट कभी भी इंडक्शन को जो है आप कभी भी अगर रिपेयर करना कर रहे हो तो डायरेक्ट एसी सप्लाई में कभी भी लगाना नहीं है, आपको पहले सीरीज में लगा करके देखना है। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसको जो है डायरेक्ट सीरीज में लगाया और जैसे ही सीरीज में लगाया सीरीज का बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम जो है कहाँ से हो रहा है ये अगर ध्यान से नहीं देखोगे आपको मिलेगा नहीं है। तो देखिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग इस तरह से जो है सीरीज का बल्ब जो है ग्लो करने लगता है, हम लोग जो है तुरंत ही जो है इंडक्शन को जो है खोल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ, तो खोलने के बाद हम लोग जो है तुरंत ही इसका जो जो भी IGBT वगैरह है उसको जो है हम लोग जो है चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे फ्यूज़ जो है उड़ा नहीं है। अगर फ्यूज़ उड़ा होगा तो हमारा जो इंडक्शन का जो सीरीज लैम्प का जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा यहाँ पे। तो यानी कि इंडक्शन में जो है इसका जो फ्यूज़ है बिल्कुल सही है। तो ये देखिए हमने इसको खोल दिया है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो है जैसे ही इंडक्शन रिपेयर के लिए आते हैं हम लोग इसको खोलते हैं, खोल करके ये देखिए कोयल वगैरह जो है इसको हम लोग निकाल लेते हैं, निकाल करके जो है इसका IGBT वगैरह हम लोग चेक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए फॉल्ट यहाँ पे IGBT से नहीं है। मैं हालांकि जो करने वाला हूँ यहाँ पे ये कोयल को मैं थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है ये PCB का अंदर से ही जो है प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ वो हर इंडक्शन में आप लोग मिला होगा। अगर आप रिपेयर वगैरह करते हो तो ये देखिए IGBT यहाँ पे लगा है, हम लोग जो है इसको निकाल करके IGBT चेक करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका जो मेन एसी सप्लाई का जो जैक है फेस न्यूट्रल का, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको हटा दिया है, सेट कर दिया है। तो यहाँ पे केबल में आप नोटिस कर सकते हो, ये केबल का बैक साइड में देखिए कैसे ट्विस्ट हो गया है और ये केबल जो है पूरी तरह से यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। ये इस तरह से अगर शॉर्ट नहीं भी होता है तो भी जो है हमेशा जो है ये इंडक्शन का जो ये सिप जो बॉडी के साथ अटैच पार्ट होता है ये केबल का, ये केबल ज़्यादातर इंडक्शन में हमने देखा है कि केबल जो है यहाँ पे ट्विस्ट हो जाता है। और ये देखिए अभी मैं जैसे ही यहाँ पे ऐसे सप्लाई दिया हूँ अपने सीरीज का जो कनेक्शन है इससे, तो इंडक्शन जो है बीप भी करने लगा है, फैन वगैरह भी चलने लगा है, कोई सीरीज का बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों, कभी हमेशा जो है शुरुआत से आपको जो है रिपेयर जब भी आप कोई भी चीज़ अगर रिपेयर करती हो शुरुआत से आपको जो है स्टार्टिंग से छोटे छोटे जो भी चीज़ें होती है वहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि जैसे कि हो गया पावर सप्लाई कोड वगैरह जो भी है ये सब से आपको जो है शुरुआत करना है, तभी जा कर के आपको जो है सही इसका प्रॉब्लम जो है आपको मिलेगा। नहीं तो ये देखिए अगर आपने ये हमने भी अगर ये केबल को अगर ध्यान से नहीं देखा होगा तो ये हम जो है ये IGBT वगैरह जो भी है इसको चेंज करने लग जाएंगे। उसके बाद जो है हमको जो है प्रॉब्लम तो मिलेगा नहीं, IGBT हम लोग चेंज कर लेंगे, फिर भी जो है इंडक्शन इस तरह से जो है शॉर्ट बताने लगेगा हमको। तो दोस्तों आपने देखा होगा फॉल्ट जो है कहाँ से जो है हमको जो है मिला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कभी भी जो है आप अच्छी तरह से ही जो है ये सब चीज़